हेलो बच्चों, मैं हृदेश। और जैसे कि मैंने आखिरी वीडियो पे बोला था कि हम लोग डाइफेंटन इक्वेशन के एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पर मैं दो एग्जाम्पल लिख रखा हूँ। पहला एग्जाम्पल देखिए, 14x प्लस 35y इज इक्वल टू 93, ये पहला होता है। और दूसरा 56x प्लस 72y इज इक्वल टू 40। और हम लोग को पता करना होगा कि इनमें से कौन सा इक्वेशन का सोल्यूशन हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि हम लोग का कंडीशन था, मैं पहले इसको वेरीफाई करते हैं, यहाँ इसको लिख देता हूँ थोड़ा, 14x प्लस 35y इज इक्वल्स टू 93। तो हम लोग क्या कंडीशन लिखे थे, देखिए यहाँ पर ये a होता है, जो थ्योरम लिखे थे ना आखिरी वीडियो पे, ये b हो गया और ये आपका c। और वो थ्योरम में क्या था कि a और b की जो GCD होगा, वो अगर ये c को डिवाइड कर लेता है तो सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं होगा बच्चों। तो जैसे कि आप जिसको शायद पता होगा, और नहीं पता हो तो आप निकाल भी सकते हो, 14 और 35 की जो GCD होगा ना बच्चों, वो 7 होगा। ठीक है, आप निकाल सकते हो। अब देखिए ये 7 जो है, 7 93 को डिवाइड नहीं कर सकता है, क्योंकि 13 7 से 91 होता है। तो 7 जो है, 7 जो है वो 93 को डिवाइड नहीं कर सकता, ये डजन डिवाइड। ठीक है, तो 7 93 को डिवाइड नहीं कर सकता, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पहला इक्वेशन है, इसका कोई भी सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, मतलब कोई इंटीग्रल सोल्यूशन नहीं पॉसिबल है, मतलब कोई ऐसा इंटीजर नहीं मिल सकता जहाँ पर इसको पुट करोगे तो ये 93 दे पाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक इसी तरह हम लोग दूसरा एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि 56x प्लस 72y इज इक्वल टू 40 लिखा है बच्चों। 56x प्लस 72y इज इक्वल टू 40। तो यहाँ पर देखो, फिर वही काम करेंगे कि GCD 56 72 निकालेंगे। अब 56 एंड 72 का जो GCD है ना बच्चों, वो 8 आएगा, बिकॉज 8 7 जा 56 होता है और 8 9 जा 72 होता है, ये भी आप निकाल सकते हो। अब देखिए बच्चों, ये 8 जो है ना, वो 40 को डिवाइड कर लेता है, क्योंकि 8 5 जा 40 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, 56x प्लस 72y इज इक्वल टू 40 का सोल्यूशन एग्जिस्ट हो सकता है। तो यहाँ पर ये लिखेंगे कि सोल्यूशन जो है वो एग्जिस्ट है। ठीक है, तो अभी तो हम लोग ये सीख लिए कि डाइफेंडेंट इक्वेशन का कब सोल्यूशन हो सकता है और कब सोल्यूशन नहीं हो सकता। तो अभी हम लोग ये सीखेंगे कि डाइफेंडेंट इक्वेशन का सोल्यूशन निकलता कैसे है। समझ में आ रहा है कि डाइफेंडेंट इक्वेशन का सोल्यूशन निकलता कैसे है। तो एक नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने दिखाया बच्चों कि ये 56x प्लस 72y इज इक्वल टू 40 का सोल्यूशन एग्जिस्ट हो सकता है, तो अभी हम लोग उसका पहला सोल्यूशन निकालेंगे। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, जो 8 GCD निकाले हैं, 56 एंड 72 का जो GCD 8 निकाले हैं, वो अभी हम लोग यूक्लिड एल्गोरिथम के हिसाब से निकालेंगे। तो यूक्लिड एल्गोरिथम क्या आता है, जो डिवीजन एल्गोरिथम है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, जो बड़ा नंबर होगा, दो नंबर का जो GCD निकाल रहे हैं, जिसमें से जो बड़ा नंबर होगा उसको छोटा नंबर के साथ डिवाइड करेंगे, जो कि 56 है। तो 56 में कितना जाएगा बच्चों, 56 वन जाएगा 56। तो अब देखिए, 12 से 6 जाने से 6 होता है, यहाँ पर 6 है, 6 से 5 जाने से 1 होता है, तो ये हो गया 16। अब जो पहला डिवाइजर होगा वो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 56, तो 63 जा 48। अब 56 माइनस 48 कितना होगा, 56 माइनस 48 होगा आपका 8। ठीक है, अब फिर जो आखिरी वाला डिविजर होगा वो आ जाएगा यहाँ पर, और 8 2 16। ठीक है, अब देखिए आखिरी वाला रिमाइंडर जब 0 हो जाए, उसका जो डिविजर होगा बच्चों वो GCD होता है। इसको हम लोग की जो प्रोसेस, जो इस प्रोसेस किया, इसको बोलते हैं यूक्लिड एल्गोरिदम, यूक्लिड एल्गोरिदम टू फाइंड GCD बच्चों। तो यहाँ पर देखिए GCD आपका हो गया 8। तो जैसे कि मैंने आखिरी वीडियो को बोला बोला था आपको कि जो दो नंबर का GCD आप निकालते हो, जैसे कि 8, तो ये जो GCD निकला, ये GCD इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस हो सकता है, और अभी हम लोग को पता करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए जो 8 निकला आपका, 8 देखेंगे 8 बना कैसे, 8 देखिए यहाँ पर 56 माइनस 48 करते हैं ना, तो 8 बनता है, तो उसको लिखिए 56 माइनस
48, ठीक है। अब 56 माइनस 48 लिखने के बाद देखिए अपने को 56 ज़रूरत है और 48 ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 56 एंड 72 का लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है। तो अभी ये जो 48 कैसे बना बच्चों, देखिए 16 इंटू 3 करेंगे तो 48 बना, तो यहाँ पर लिखेंगे 16 इंटू 3, फिर 56 माइनस 16 इंटू 3। अब ये 16 कैसे बना देख सकते हैं आप, 72 से 56 माइनस करने के बाद 16 बना है, ठीक है। तो ये 16 के बदले क्या लिखेंगे, 72 माइनस 56 और आखिर में इंटू 3 था, ठीक है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे, देखिए ये कितना हो जाता है, 3 इंटू 72 माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 56। तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं, देखिए ये 3 इंटू 56 हुआ और ये सिर्फ 56 है, तो ये हो जाता है 4 इंटू 56 माइनस 3 इंटू 72, 4 इंटू 56 माइनस 3 इंटू 72। और ये किसका वैल्यू निकल गया, 8 का एक्सप्रेशन आ गया, 4 इंटू 56 माइनस 3 इंटू 72। लेकिन ध्यान दीजिए बच्चों, हम लोग का जो क्वेश्चन था ना वो क्या था कि 56x प्लस 72y इक्वल टू 40, मतलब इक्वल टू के बाद क्या था, 40 था। और अभी हम लोग क्या निकाले हैं, ये हम लोग का 8 है, तो 40 लाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, ये दोनों तरफ मल्टीप्लाई 5 करेंगे, तो 8 इंटू 5 हो गया। और यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना, 4 इंटू 5 इंटू 56। अब यहाँ पर मैं कर देता हूँ प्लस ले लेता हूँ और माइनस को अंदर ले लेता हूँ, ठीक है, माइनस 3 इंटू 5 इंटू 72 बच्चों। तो देखिए यहाँ पर क्या बन गया, 8 इंटू 5 इक्वल टू 40, ठीक है, और 4 इंटू 5 हो जाता है 20, 20 इंटू 56 प्लस माइनस 3 इंटू कितना होता है, माइनस 15 इंटू 72। तो देखिए बच्चों, हमने इसका सोल्यूशन निकाल लिए हैं, क्या कि 40 कैन बी एक्सप्रेस एज 20 इंटू 56 प्लस माइनस 15 इंटू 72। जैसे कि आपको याद है उस क्वेश्चन पे क्या था, 56 इंटू एक्स था एंड 72 इंटू वाई था इक्वल टू 40। तो 56 क्या था, 56 इंटू क्या था, एक्स था। और अभी क्या मिला है हम लोगों को, 56 इंटू 20 मिला, इसका मतलब हो गया एक्स की वैल्यू हम लोगों को कितना मिला, एक्स की वैल्यू हम लोगों को मिला 20। और यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों कि 72 इंटू वाई इज इक्वल टू 40 है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे एक्सप्रेशन में तो 72 के साथ माइनस 15 है, मतलब y इज इक्वल टू आपको मिल गया माइनस 15। तो ये हो गया बच्चों सॉल्यूशन निकालने का तरीका, किसका, डाइफेंटन इक्वेशन का। तो हमने ये भी सीखा कि डाइफेंटन इक्वेशन होता क्या है, कौन सा कंडीशन पे डाइफेंटन इक्वेशन का सॉल्यूशन निकलता है, और ये सीखा कि डाइफेंटन इक्वेशन का सोल्यूशन निकलता कैसे है। अभी हम लोग ये पता करेंगे कि डाइफेंटन इक्वेशन का सोल्यूशन निकलने के बाद दूसरे सोल्यूशन कैसे निकाला जा सकता है, वो मैं अगले वीडियो पे दिखाऊंगा।